हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना की लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। एंड आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट कीजिएगा, सेफ एंड सुरक्षित रहिएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। और आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आज आपको एलोवेरा के बारे में। एंड इसके बाद मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपको हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं एंड बात कर लेते हैं एलोवेरा की। तो ये जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है, जो कि सभी घरों में, आजकल तो सभी घरों में मिल ही जाता है, क्योंकि एलोवेरा का जो पौधा होता है, तो ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकता है और किस तरह से हार्मफुल हो सकता है, तो ये आज मैं आपको बताऊँगी। एंड इसके बाद एक रेमेडी भी, बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको अगर आपने 1 मंथ ही यूज़ कर लिया तो आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे हेयर से रिलेटेड मिलेंगे कि आपको पहले कभी भी आपने इस टाइप का वीडियो नहीं देखा होगा। और बहुत ही इजी वे में मैं जो हूँ वो रेमेडी तैयार करूँगी। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप एलोवेरा का यूज़ करते हैं, एलोवेरा को आपने प्लांट से निकाला, कट किया, और कट करने के बाद आपने क्या किया, उसको वॉश किया एंड उसको जो है वो सीधा स्किन पे या फिर अपने हेयर पे अप्लाई कर लिया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको नहीं पता होगा, एक ऐसा पार्ट होता है जब आप इसको कट करते हैं तो आपको दिखता होगा कि नीचे साइड में एक येलो सा पार्ट निकलता है, और वो पार्ट जो होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिससे हमें बहुत सारी एलर्जी हो सकती हैं। एंड ये पार्ट जो है वो हमारी स्किन को, हमारे हेयर को डैमेज बना सकता है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एलोवेरा कट करना है प्लांट से, कट करने के बाद आपको बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको आपको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको खड़ा कर देना है, और जब आप इसको, इसकी लीव्स को खड़ा कर देंगे तो जो भी येलो पार्ट है वो निकल जाएगा। और उसको निकलने के बाद, जब वो येलो पार्ट निकल जाए, उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश कीजिए, देन आप इसके साइड वाले पार्ट को कट करिए, फिर आप इसको यूज़ करिए। तो ये तो हो गई एलोवेरा की बात, जो कि आई होप कि आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। और एलोवेरा से जुड़े बहुत सारे टिप्स भी मैं आपको देती रहूँगी, शॉर्ट वीडियो बना के भी देती रहूँगी, बट आज ये मेन बात थी जो कि लोगों को पता होती भी है, नहीं भी पता होती है, और लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमें तो एलोवेरा से एलर्जी है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि रीज़न क्या है, किस वजह से एलर्जी है। तो चलिए अब रेमेडी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एलोवेरा को साइड साइड से कट कर दिया है, और कट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जेल जो है, जो अंदर का पल्प है, वो अभी इसी में है। अब हम जो इसका पल्प है वो कलेक्ट करेंगे। तो आपको इसी तरह से जो अपनी रेमेडी तैयार करनी है, जो मैं आपके लिए बालों से रिलेटेड बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने जो है, आप देख सकते हैं कि जितना भी जेल था एलोवेरा की लीफ से, वो निकाल लिया, और कितना ट्रांसपेरेंट, कितना प्यारा सा और प्योर जेल है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और प्रोसेस जो है पूरा आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने बताया कि येलो पार्ट आपको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ हमने जो है एलोवेरा निकाल लिया है, और अब हम जो है बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं आपको डेफिनेटली फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एलोवेरा सबसे पहले हमने निकाल लिया, और अब आप ये देख रहे होंगे ये मिक्सी का जार है, ग्राइंडर का, और इसमें मैंने सबसे पहले जो है वो ब्लैक अनियन सीड जो है वो ग्राइंड किया था, उसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में लाई थी, तो इसलिए ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहला जो है वो हमने एलोवेरा का जेल जो कलेक्ट किया था वो हमने इसमें डाल देना है। सेकंड जो है वो आपको डालना है, सेकंड जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी, यानी कि ब्लैक अनियन सीड। इसको आपको हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, ज़्यादा पीसना नहीं है, बट हल्का सा ग्राइंड कर लेना है दरदरा सा, और इस तरह से इन दोनों चीज़ों को एक में डालकर अभी आपको इसको फिर से स्मूथली जो है वो ग्राइंड करना है। जब आप इसे ग्राइंड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा एलोवेरा जो है वो एकदम से वॉटरी फॉर्म में आ गया है, और ये दोनों चीज़ें अच्छे से एक साथ जो है वो मिक्स हो गई हैं। चलिए अब हम इस ऑयल को प्रिपेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आपको भी लोहे का ही बर्तन लेना है। तो यहाँ पे अपनी जो कढ़ाई है हल्की सी, इसको हीट दे देनी है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है, बस इतनी देनी है कि हल्का सा इसका मॉइस्चर जो है आपको ख़त्म कर देना है। अब हम इसमें
फिगारो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जो चाहें वो इसे आप बोल सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी जगह पे आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तिल का तेल भी नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो यहाँ पे 200 ग्राम ऑयल का जो था ये डिब्बा था तो मैंने पूरा डाल दिया है। और अब हम इसमें जो है वो जो ये जो हमने एलोवेरा एंड ब्लैक अनियन सीड कलौंजी इसका जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा था ये हमें ऑयल में ही ऐड कर देना है। अभी हमें फ्लेम को ऑन नहीं करना है क्योंकि फ्लेम ऑन करेंगे तो इसमें जो है वो छोंक टाइप से लग जाएगा, तड़का टाइप से लग जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे जितना भी हमने एलोवेरा एंड ब्लैक अनियन सीड का जो पेस्ट बना के रखा था, जो जेल बना के रखा था, वो हमें इसमें ऐड करने के बाद जो है इसको एक बार चम्मच से बहुत अच्छे से चलाते रहना है ताकि ये दोनों चीज़ें एक में मिक्स हो जाएं। और अब हम फ्लेम को जो है वो ऑन करेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप ये ऑयल बनाएंगे तो आपको फ्लेम जो है वो स्लो ही रखना है। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो ये ऑयल जल जाएगा और बेकार हो जाएगा और आपके बालों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होने के बजाय और हार्म पहुँचाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा स्लो ही रखना है। तो स्लो फ्लेम पे हम इस तेल को जो है वो तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ भी आपको चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही चीज़ें तो सभी के घरों में अवेलेबल आजकल होती ही होती हैं। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे चलाती रहूँगी और आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ जो हैं वो मिक्स हो रही हैं और इसमें हल्की सी आपको झाग देखने को मिलेगी। बट अभी थोड़ी देर बाद ये झाग जो है वो चली जाएगी क्योंकि फिर क्या होगा, जो एलोवेरा और जो ब्लैक अनियन सीड है वो तेल के अंदर अपनी गुडनेस छोड़ने लगेंगे। और इसी तरह से ये ऑयल हम धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे। आपको वीडियो फुल देखना है क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में मिस करते हैं तो आप काफ़ी सारे स्टेप मिस कर देते हैं और आपको नहीं पता लगता है कि ऑयल आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं चला रही हूँ आपको सेम पूरा प्रोसेस यही करना है। एंड फ्रेंड्स, जब आप इस ऑयल को लगाएंगे, जब आप इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। आप जब इसको वीक में 2 टाइम ही यूज़ कर लेंगे उसके बाद ही आपका हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको हेयर फॉल हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा एंड आपके बालों को रीग्रोथ करेगा। आपके बाल अगर कहीं पे कम हैं तो उन बालों को दोबारा से ये जो है वो उसकी ग्रोथ कर देगा। बहुत ज़्यादा अच्छा तेल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं यूज़ करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था तो इसलिए मैंने ये ऑयल प्रिपेयर किया और इसको मैंने बनाया है और इसको मैं बनाती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ। और आप चाहें तो इसको आप 2-3 मंथ के लिए बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो वैसे मेरी तो यही सजेशन है कि आप इसको जब भी बनाएं तो आप 2-3 दिन से ज़्यादा के लिए ना बनाएं, बस फ्रेश बनाएं, फ्रेश ही यूज़ करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है ऑयल में जो ब्लैक अनियन सीड एंड एलोवेरा के पार्ट हैं, अभी दोनों चीज़ें जो हैं अलग होना स्टार्ट जो हैं वो हो गई हैं। आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से ऑयल जो है वो बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पे आप एक बार जाइए और ये ऑयल ज़रूर बनाइए। जब ये इस ऑयल को आप लगाना स्टार्ट कर देंगे अपने हेयर में, आप सारे ऑयल भूल जाएंगे। एंड बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है ये, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। बहुत से ऑयल होते हैं ना, जब आप लगाते हैं तो आपके बालों में चिप चिप सी कर देते हैं, लेकिन इस ऑयल को लगाने के बाद आपके बालों में कोई चिप चिप नहीं होने वाली। आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन है, बहुत ज़्यादा आपके ड्राई हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, दो मुंह बाल हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम भी ये दूर कर देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एलोवेरा एंड ब्लैक अनियन सीड के जो पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए हैं। ऑयल हमारा बनके जो है वो तैयार हो गया है और बहुत अच्छा ऑयल हमारा प्रिपेयर हुआ है। और आपने देखा ना कि सारा ऑयल जो अलग अलग हो गया है, बस यही ऑयल हमें जो है वो चाहिए है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आके आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसके बाद आपको इसको ऐसे ही रखे रहने देना है इसी लोहे की कढ़ाई में जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। तो हमारा ऑयल आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है और आपको ठंडा होने के बाद ही किसी कांच के कंटेनर में आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो आप उसमें भी कर सकते हो, बट कांच में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कांच में रखने से जो है हमारा ऑयल जल्दी ख़राब नहीं होता। चलिए हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो अब मैं इसको कांच के कंटेनर में स्टेन करके रख लूँगी और जब भी इसको यूज़ करना हो तो ना आप इसको थोड़ा सा नम हाथों से, इसको जो हाथों में मॉइस्चर रहता है ना उन हाथ, वो हाथ इसमें मत डालिएगा। जब भी आप निकालें तो आप स्पून से निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें मॉइस्चर चला जाता है तो ये जो है वो ऑयल हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। तो बस इसी तरह से हमने अपना ऑयल बना लिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी। आप लोग भी यूज़ करिए,
एंड जो भी आपको बेनिफिट्स इससे मिलते हैं, इसका रिजल्ट्स ऑसम ही ऑसम है। तो जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। तो जो भी रिजल्ट्स हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना जो भी आपको बेनिफिट मिले हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बेल ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यही था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।